क्या एसीएल इंजरी हो जाना आपके स्पोर्ट्स कैरियर का अंत है? क्या एसीएल टूट जाने के बाद आप फिर से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे? या क्या आपके आगे के ट्रायल अब आप उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसे कि पहले देते थे? या अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट टीम में हैं तो क्या आप अब उस टीम में खेलने के लायक नहीं रहेंगे? क्या सर्जरी के बाद वापस लौटने पर आपकी वो स्ट्रेंथ और वो फुर्ती नहीं रहेगी? ऐसा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। लोगों को लगता है कि अगर हमारा लिगामेंट टूट गया तब हम उस लेवल का स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। तो आज का जो वीडियो है वो ये बताने के लिए है कि क्या आप उसी लेवल पे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद या नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपिक क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है ये आपके अवेयरनेस के लिए है, जिससे कि आप लिगामेंट और स्पोर्ट्स इंजरी संबंधित जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी हम इसमें आंसर कर सकें और आपको ठीक से बता सकें डेप्थ में कि कैसे इन चीज़ों को और भी अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है और सर्जरी कैसे होनी, कैसे सर्जरी नहीं होनी है। हमारे ऑलमोस्ट अब तो मोर देन 100 वीडियोस हो चुके हैं इस पर, जो कि आप देखते भी होंगे, जो कि लिगामेंट रिलेटेड सारे पहलुओं को हम लोग टच करते हैं। और जो भी हमको हमारे ही अपने जो हमारे जो ऑडियंस हैं या जो हमारे पेशेंट्स हैं जो हमको क्वेश्चंस बोलते हैं उसी को लेकर के हम वीडियोस बनाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन जो कि बहुत से लोगों ने पूछा कि मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूं और मुझे एसीएल टियर हो गया तो क्या अब मेरा कैरियर खत्म हो गया? और बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही दुख भी होता है ये देख करके। तो उस पर हमने सोचा एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा जो अपने सारे स्पोर्ट्समैन से बोलता हूं। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कभी कोई मेजर लिगामेंट की चोट ना हो। मतलब इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको चोट ना हो, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे खेल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अभी इतना फास्ट हो गया, इवन पहले की तुलना में अगर आप आज का स्पोर्ट्स देखेंगे, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो रेसलिंग हो, और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है, लोग और भी तेज तरार काम करना चाह रहे हैं। तो इतना ज्यादा फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और इतना कॉम्पिटिशन में होने के लिए, जिस इंटेंसिटी के साथ आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसमें संभव ही नहीं है कि कभी आपको चोट ना लगे। आप अगर सॉकर प्लेयर हैं और आप रोज फुटबॉल खेल रहे हैं तो कभी तो ऐसा होगा ही कि आप मिस लैंड करेंगे, तो चोट तो लगना ही लगना है। और अगर आप इसमें कोई भी शक हो तो जो भी आप जिस भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में हैं, आप उस स्पोर्ट्स का जो आपका टॉप शॉट जो प्लेयर है उसका आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। फुटबॉल में है तो आप जो रोनाल्डो हमारे ब्राजील के सुपरस्टार थे उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। अगर आप टेनिस में हैं तो अभी लेटेस्ट ही करीब 2 साल पहले ही ऐसा हुआ, राफेल नडाल को भी एसीएल इंजरी हुई थी। क्रिकेट में है तो आप इवन स्टार्टिंग फ्रॉम सुरेश रैना टू महेंद्र सिंह धोनी टू ऋषभ पंत, इन सबको एसीएल लिगामेंट की इंजरी हुई बट दे आर स्टिल प्लेइंग गुड। आप अगर अभी का भी देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी इज डूइंग वंडर्स इन दिस आईपीएल। कहां से लगता है कि उसको एसीएल इंजरी हुई और उसका जो स्ट्रेंथ था या जो उसकी फुर्ती थी वो कम हुई है? प्रॉब्ली ही इज प्लेइंग इवन बेटर। तो सेम अप्लाइज टू एवरीबडी। तो देखिए, ऐसा है ना कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि चोट लग गया तो आपका कैरियर खत्म हो गया या ब्रेक लग गया। हाँ, आप थोड़े दिनों के लिए स्लो डाउन जरूर हो गए। मैं बताऊं आपको, जैसे बॉक्सिंग स्टार्स हैं और रेसलिंग स्टार्स हैं, उनको तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है उसमें, तो उनको तो मतलब शरीर से शरीर टकरा रहा है और कोई पैर भी मोड़ सकता है कुश्ती में। उसको पता है आपकी एसीएल टियर तो उस पर और जोर मारेगा वो। तब पर भी हमारे अपने पेशेंट्स भी जो कि पहले स्टेट ट्रायल में चोट खाए वो इंटरनेशनल मेडल लेकर के आते हैं हमारे पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कैरियर का अंत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? नंबर वन आई वुड से मेंटल स्टेबिलिटी। आपको मेंटली वीक नहीं होना है। इसके लिए आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, कि आप मानसिक तनाव और डिप्रेशन जो अवसाद आपको आता है किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में होने के बाद,
कि आपका अब सर्जरी होगा या आप 6 महीने साल भर के लिए स्पोर्ट्स से बाहर जाएंगे, तो जो आपको डिप्रेशन आना है उसको आप कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, इस पर एक वीडियो है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है, उसको जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यही बोलूंगा, बिकॉज आपको पहले मानसिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप वापस कम बैक करेंगे और पहले से भी और स्ट्रांग कम बैक करेंगे। जब तक मानसिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं होंगे और आप नहीं समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, और ये होना बहुत ही कॉमन है, आप एक एक्स्ट्रा अनलकी पर्सन नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा होना कॉमन है। और सारे स्पोर्ट्समैन के लाइफ में इंजरीज एक सेटबैक की तरह जरूर आती हैं, आगे वही बढ़ता है जो कि सेटबैक्स को क्रॉस करता है। तो वो वीडियो में हमने डिटेल में पूरा बताया हुआ है कि कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, आपको उन लोगों की हिस्ट्री पढ़नी है जिनको कि ये प्रॉब्लम हुई और वो कम बैक किए, अपने और साथियों से मिलना है जिनको कि ये प्रॉब्लम हुई और वो कम बैक किए, कैसे कैसे उसको टैकल करना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जो उसमें भूमिका है उसको भी डिटेल में बताया गया, उसको जरूर देखिएगा। उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उस वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑपरेशन से पहले अपने घुटने का प्रीहैब अच्छे से करें। प्रीहैब का भी वीडियो है जो हमने पहले बनाया हुआ है कि अपने घुटने को तैयार कैसे करें, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको भी अच्छे से देखिए कि आपको अपने घुटने को पहले तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आप सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हों और सर्जरी के बाद आप सुपर फास्ट रिकवरी करें। देखिए, एक अंतर है आप में और एक आम मानस में, वो अंतर ये है कि आपको अपने घुटने को 100% यूज करना है बाद में भी, कोई भी चीज में आप बचा नहीं सकते। आम जनता ये सोचे कि चलो यार अब हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, बट आप तो खिलाड़ी हैं, आप सब करेंगे आगे भी, तो आपको स्पेशल केयर करना है। और स्पेशल केयर शुरुआत यहीं से होती है, मेंटली और बिफोर सर्जरी द प्रीहैब। तीसरा, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स इंजरी के सर्जन से ही मिलकर अपनी सर्जरी करवाएं, और अगर हो सके तो बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में कम से कम छेड़छाड़ हो, और जैसा कि नेचुरल बायोलॉजी को प्रिजर्व करके एसियल रिकंस्ट्रक्शन अपने पुराने वीडियोज में हमने बताया हुआ है, जिसका भी लिंक आपको डाल देंगे, बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन आप करवाएं जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो। चौथा जो पॉइंट आता है अब इसमें यह आता है, जो शायद इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको एक बढ़िया स्पोर्ट्स इंजरी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रह करके अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी है। देखिए, प्रीहैब और रिहैब ये दो पॉइंट्स ही हैं जो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस लेके आएंगे। देयर इज नो अदर सीक्रेट फॉर सुपर फास्ट रिकवरी और रिटर्न टू स्पोर्ट्स। किसी भी स्पेशल इम्प्लांट को लगा देने से, ज्यादा खर्चा करके सर्जरी करवा लेने से, या कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस लगा लेने से आप जल्दी स्पोर्ट्स में नहीं लौटने वाले और बेहतर स्पोर्ट्स में नहीं लौटने वाले। ये सारा कुछ रिहैब एक्सरसाइज से ही होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बढ़िया सेंटर पर सर्जरी करवाए हैं तो आपका एक बढ़िया एसियल रिकंस्ट्रक्शन ही करके देगा, चाहे वो स्क्रू से दे, चाहे वो बटन से दे, चाहे वो ऑल इनसाइड दे, एक बढ़िया एसियल सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे तरीके अच्छे हैं। कोई हमसे पूछता है सबसे बेस्ट सर्जरी कौन है, हम बोलते सारी बेस्ट है जी, अच्छे से होनी चाहिए। सर्जरी अच्छे से हो गई, पेशेंट ने अच्छे से प्रीहैब किया सर्जरी के पहले, और पेशेंट ने अच्छे से रिहैब किया सर्जरी के बाद, दिस इज द ओनली सीक्रेट फॉर सक्सेस। और स्पोर्ट्स मैन में तो रिहैब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ही एग्रेसिव रिहैब करना होता है उनको। मैं बताऊं आपको, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो कि दिन के 4-4 घंटे जिम में व्यतीत करते थे आफ्टर एसियल सर्जरी। 8-8 घंटे वाले भी पेशेंट्स हैं हमारे पास जो कि सारा काम छोड़कर सिर्फ इसी को करते रहे। इसके साथ साथ जो डाइट है वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारा एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि क्या डाइट से रिकवरी फास्ट होती है। तो उस डाइट को भी आप लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट, जैसे आप मसल बिल्ड करने में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं एक ट्रेनर के साथ, वैसे ही यहाँ पे ट्रेनर आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, और डाइट आपको एक जिम वाली डाइट लेनी है जिससे कि आपके मसल्स एकदम स्ट्रांगली बिल्ट हो जाए। इन सबको कर लेने के बाद एक और पॉइंट जो आता है यहाँ पे, वो आता है आपके प्रोप्रियोसेप्शन का, आपके बैलेंस का, जिससे कि वो एसियल जो बना है ना वो दोबारा ना टूटे। उसका भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लिंक डाल दे रहे हैं, वो भी अच्छे से देख लेना कि क्या करें जिससे एसियल दोबारा ना टूटे। तो आपका अगर बैलेंस अच्छा रहेगा ना
तभी आपका दोबारा बनाया हुआ ACL भी काम करेगा, वरना क्या हुआ कि या तो आप उसको तोड़ लेंगे या तो अपोजिट साइड का ACL तोड़ लेंगे। तो बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन जो है ना, जो रिहैब का एक जो लास्ट पार्ट जो हम लोग स्ट्रेंथ आने के बाद कराते हैं, उसको स्पोर्ट्समैन को और भी अच्छा करना होता है। क्रिस क्रॉस दौड़ना, उल्टा दौड़ना, टैकल के बीच दौड़ना, सांप की तरह दौड़ना, साइड वाइज दौड़ना, प्लैंक्स करना, कोर को मजबूत करना, अपर लिम्ब को भी मजबूत करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्पोर्ट्स में वापस लौटने के पहले। तो आपको अपने स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, जो आपके फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे मिल करके अपनी रिहैब को इतना स्ट्रांग करना है कि आप दोबारा आप उस स्पोर्ट्स को सिमुलेट कर पाएंगे अपने रिहैब रूम में ही। वैसा वैसा ही टैकलिंग आप करके आपके लिगामेंट को वैसे ही स्ट्रेस दे करके उसमें बैलेंसिंग जो फाइबर्स हैं उनको और एक्टिवेट किया जाएगा, जिससे कि आपको वापस बैलेंस बहुत अच्छा बने और आप फिर से लड़खड़ाएं ना और आप दोबारा गिरे ना। हम लोग क्या, जब भी स्कोपिक थेरेपी सर्जरी करते हैं तो स्पोर्ट्समैन के लिए खास अलग रिहैब प्रोग्राम बना के रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ लग करके अलग से उनकी प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंसिंग और रिहैब पे काम करता है। उसको अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली आप स्पोर्ट्स में वापस जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप ACL इंजरी के बाद या कोई भी मेनिस्कस लिगामेंट इंजरी के बाद आप बेकार हो गए, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप बहुत से ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, बहुत से ऐसे बुक्स पढ़ सकते हैं, हाउ पीपल एक्चुअली नो केम बैक इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो स्पोर्ट्स इंजरी आपके करियर का अंत बिल्कुल नहीं है, हो सकता हो यही इंजरी आपको और किक दे, आप और बेहतर इंप्रूव करें और आप और ज्यादा मेडल जीत करके, अगर आप नेशनल थे तो इंटरनेशनल एथलीट बन सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी, अगर आप चीजों को ठीक से फॉलो करेंगे और मेंटली स्ट्रांग रखेंगे अपने आप को। तो ये था ऑल अबाउट हाउ टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स आफ्टर ACL इंजरी। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट्स होते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको हम जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।